हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएफएससी फिशरीज ऑनलाइन क्लास। दिस क्लास इज़ फॉर ऑक्सट्रिक्थीज इन विच वी विल बी स्टडिंग द क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सट्रिक्थीज। ऑक्सट्रिक्थीज आर बोनी फिशेस। इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इलास्मोब्रांची मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, या कॉन्ट्रिक्थीज के बारे में। हम लोग यहाँ ऑक्सट्रिक्थीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि कॉन्ड्रिक्थीज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, इलास्मोब्रांची और होलोसिफेली, जिसमें हम लोग देखे थे कि कॉन्ड्रिक्थीज ये सारे पाइसेस में आ रहे थे। पाइसेस का ये क्लासिफिकेशन था जो कि दो सब क्लास में डिवाइड हुआ था, जहाँ पे वो उसका स्ट्रक्चर जो कॉन्ड्रिक्थीज का था वो बोन उसका कार्टिलेज का बना था, इसलिए हम लोग उसको मतलब उसका क्लास था, स्केलेटन था उसका, स्केलेटन था उसका कार्टिलेज का बना, इसलिए इसको कॉन्ट्रिक्थीज कहे। यहाँ पे स्केलेटन बोन का बना होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सट्रिक्थीज कहते हैं या बोनी फिशेस कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बोनी फिशेस के। इसमें कॉन्ट्रिक्थी ऑक्सट्रिक्थीज का मतलब है ऑस्टियन मतलब बोन और इक्थीज मतलब फिश। यहाँ सम ऑफ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे मोरे, ईल, सन फिश, यहाँ पे वीडी सी ड्रैगन दिया हुआ है, रेड फिश है, तो ये सारे क्लासिफिकेशन है। लायन फिश है, स्क्रॉल्ड क्रो काउ फिश है, ये सारे एग्जाम्पल है ऑक्सट्रिक्थीज के। कुछ यहाँ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग क्लासीफाई कैसे कैसे करते हैं, तो उसमें मेनली क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। लेटरल फिन है, इसके स्केल्स होते हैं जो कि प्लेकोइड, टिनोइड स्केल, ये सारे स्केल्स पाए जाते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स मेनली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिशेस में देखने को मिलता है। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, यहाँ ओपरकुलम होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वेंट्रल पोजीशन में माउथ होगे, इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बस एक क्लास स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोनी फिशेस की। फिर हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग पढ़े थे कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस, तो इन दोनों का यहाँ डिफरेंस दिया है एक एग्जांपल से, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर से डिफरेंस किया गया है कार्टिलेजिनस फिशेस को और बोनी फिशेस को। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उसमें हम लोग प्लेकोइड स्केल देखे थे, लेकिन बोनी फिशेस में हर डिफरेंट डिफरेंट फिशेस में मतलब ये सारे स्केल जैसे साइक्लोइड स्केल, टिनोइड स्केल, ये सारे स्केल्स इसमें पाए जाएंगे। उसके बाद इसका जो टेल है वो होमो सर्कल होगा, जिसमें अपर लोब जैसे दिखाई दे रहा है इक्वल इन लेंथ है दोनों का, होमो सर्कल है इक्वल, होमो मतलब इक्वल, हेट्रो मतलब डिफरेंस होते हैं, तो अपर लोब लॉन्गर होगा लोअर लोब से, तो हम लोग उसको कार्टिलेज फिश कहते हैं। यहाँ डॉर्सल फिन दिख रहा है कि वो दोनों एक साथ नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे दूसरे फिश में बोनी फिशेस में डॉर्सल फिन का इमेज दिखाया गया है। स्पायरिकल्स की बात करें तो कार्टिलेजिनस फिश में स्पायरिकल प्रेजेंट है लेकिन बोनी फिशेस में नहीं है। ओपरकुलम की बात करें यानी कि गिल कवर जो होता है कार्टिलेज फिश में नहीं होता लेकिन बोनी फिशेस में होता है ओपरकुलम या गिल कवर। एयर ब्लैडर्स भी प्रेजेंट होते हैं बोनी फिशेस में। फिर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। फिर इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे माउथ का, यूजुअली माउथ के बारे में हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है कार्टिलेजिनस फिश में लेकिन बोनी फिशेस में वो टर्मिनल होता है। फिशेस की बात करी जाए तो यहाँ पे बोनी फिशेस का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बोनी फिश में लगभग 29,000 स्पीसीज बोनी फिशेस के होते हैं, जिसके यहाँ पे लार्जेस्ट जो ये सारे क्लास में सबसे ज़्यादा इसका ज़्यादा वास्ट इसका स्पीसीज इसके अंदर आते हैं। इसमें जो टेल हम लोग अभी पढ़े थे होमो सर्कल होता है, माउथ वेंट्रल पोजीशन में होता है, इसमें फोर पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। स्केल्स की बात करें तो इसमें प्लेकोइड को छोड़ के सारे स्केल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के जैसे टिनोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स मिलते हैं इसके अंदर। इसमें क्लोकोआ एब्सेंट होता है, क्लोका जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी क्लोका इसमें एब्सेंट है। सार्कोपिटर्जेंस लंग फिश या लो फिन फिशेस जिसमें लंग्स होते हैं, ये सारे फिशेस आते हैं इसके अंदर बोनी फिशेस में। तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो बोनी फिशेस सुपर क्लास या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको बोनी फिशेस को, इसके अंदर सब क्लास आते हैं, जैसे डिपन्यूस्टी जिसमें डिपनोए आता है, क्रोसोपिटर्गी
जिसको हम लोग फ्रिंज्ड फिन भी कहते हैं। उसके बाद ब्रैंकियोपिटर्गी, एक्टिनोपिटर्गी, ये सारे फिशेस इसके अंदर आते हैं। ये क्लासिफिकेशन इसका दिया हुआ है। जो डिप्नोइस्टी है वो फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं, इसके अंदर लंग फिश आता है जिसको हम लोग डिप्नोई कहते हैं। क्रॉसोपिटर्गी में फ्रिंज फिन आते हैं, जिसका मतलब फ्रिंज फिन होता है। मेनली इसमें जो डिप्नोइस्टी है उसमें भी बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन मेनली अब नहीं उसका उतना किया जाता, पर क्योंकि इसमें हम लोग को पढ़ना है तो फिर इसका क्लासिफिकेशन इसलिए दिया हुआ है। ब्रैंकियोपिटर्गी है उसका फैमिली दिया हुआ है। एक फैमिली होती है उसकी पॉलीपिटेरिडी, इसमें गेनोइड स्केल होते हैं और स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोपिटर्गी को हम लोग रे फिन भी कहते हैं, क्योंकि इसको एग्जांपल में रे फिशेस आएंगे। फिर डिप्नोए या लोब्ड फिन जो हम लोग अभी पढ़े थे उसको हम लोग लोब्ड फिन भी कहते हैं। ये एक्सटिंक्ट हो गया है मेनली, पर कुछ कुछ जो है लिविंग फॉसिल्स भी दिखते हैं। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, इसका यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जिसको हम लोग नियो सेराटो डस फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। अफ्रीकन लंग फिश है जैसे प्रोटोप्टेरस एनिटेन्स। साउथ अमेरिकन लंग फिश है लेपिडोसायरन पाराडोक्सा। डेवोनियन लंग फिश है जिसको हम लोग डिप्टेरस भी कहते हैं। तो ये तो हुई बात डिप्नोई की, जो कि डिप्नोइस्टी में आया सब क्लास में। अब हम लोग क्रॉसोपिटर्गी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि में भी बहुत एक्सटिंक्ट है, पर कुछ 1938 में लैटिमेरिया चालुमनिया यानी कोलोकैंथ जिसको हम लोग कहते हैं, वो लिविंग फॉसिल उसका मिला है। वो मेनली साइंटिस्ट 1938 में इसको खोज किए हैं। इसका प्रिमिटिव स्केल इसमें पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्मोइड स्केल। इसमें टू डॉर्सल फिन मेनली होता है। तो ये क्रॉसोपिटर्गी के बारे में इतना ही हम लोग को देखना था। इसमें जो एग्जांपल हम दिए अभी जिसमें आया क्रॉसोपिटर्गी के अंतर्गत ये दोनों फिशेस आई हैं, जैसे डेवोनियन राइप्टिस्टियन जिसको हम लोग इस्थोनो पिटेरॉन फॉडी भी कहते हैं, और मॉडर्न कॉलिंग सिलोकैंथ जिसको हम लोग कहते हैं लैटिमेरिया चालुमनिया। तो ये दोनों फिशेस इसके अंदर आए क्रॉसोपिटर्गी के अंदर। तो हम लोग अभी डिप्नोई पढ़ लिए, डिप्नोइस्टी या फिर क्रॉसोपिटर्गी फिर हम लोग पढ़ लिए। अब है नेक्स्ट ब्रैकियोपिटर्गी। ब्रैकियोपिटर्गी में बिचरिस जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिप्टेरस स्पीसीज वो आते हैं। रीड फिशेस आते हैं जिसमें कैलामोथी स्पीसीज हैं सेंट्रल अफ्रीका में। सिस्टमैटिक पोजीशन जो बिक्रीज का है उसका हम लोग अभी तक उसका मतलब उसका खोज नहीं हो पाया बहुत, क्योंकि ये सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हैं और इसका अभी तक उतना साइंटिस्ट उसका नहीं खोज कर पाए, डिस्कवर नहीं कर पाए। तो इसलिए ये सारे स्पीसीज का बस नाम दिखाया हुआ है। कुछ स्पीसीज एक्टिनोपिटर्गी के अंदर जो आए थे जिसको हम लोग रे फिंड भी कहते हैं। इसका रे फिंड जो होता है रे के जैसा होगा, इसलिए हम लोग उसको रे फिंड कहते हैं। इसको हम लोग थ्री इंफ्रा क्लास में डिवाइड किए हैं, जैसे कॉन्ड्रो स्टिया, होलोस्टिया एंड टेलिस्टोस्टी। इसमें कॉन्ड्रोस्टी जो है वो उसमें गेनोइड स्केल होंगे, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका टेल एक्सेप्शन है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े थे कि बोनी फिशेस का स्केल जो टेल होता है वो होमो सर्कल होता है। इसमें इंट्रो ओपरकुलम एब्सेंट होंगे, 25 स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है इस ग्रुप को कॉन्ड्रोस्टी को। फिर होलोस्टिया में आता है टू स्पीसीज जैसे लेपिस्टियो डी जिसको हम लोग गार्ड्स कहते हैं, एमिडा जिसको हम लोग बो फिश कहते हैं। इसमें आते हैं इंफ्रा क्लास में टू जेनरा और 9 स्पीसीज हैं मेनली। टेलिस्टियोस्टी में आते हैं जो कि डाइवर्स फॉर्म है इस ग्रुप का, 1800 स्पीसीज मेनली इसमें आते हैं, और जिसमें 31 ऑर्डर और 455 फैमिलीज हैं इसके अंदर। ये नेल्सन ने डिस्कवर किया था इसलिए उसका नाम दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग बोनी फिशेस के बारे में पढ़े, हम लोग देखें कि बोनी फिशेस क्या होते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन दिखे, उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और साथ में हम लोग क्लासिफाई किए मतलब डिफरेंस किए दोनों को कि बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या डिफरेंस है। पाइसिस के अंदर ये दोनों सब क्लास आए थे। तो
तो आज के लिए इतना ही था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास विद क्लासिफिकेशन ऑफ दीज पार्टिकुलर सब क्लासेस विच वी स्टडीड हेयर अबाउट द बोनी फिशेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.